गुड मॉर्निंग यूट्यूब और टाटा पार्टी की एक नई वीडियो की शुरुआत हो गई है अच्छी सी धूप और ठंडे ठंडे मौसम के साथ में। और आज धूप भी लगी है और हवा भी चल रही है क्योंकि जो हमारा घर है वो धार में है, धार यानी कि थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए यहाँ पे हवा चलती रहती है। और जो भी मेरी वीडियो को देखता है उसको टाटा पार्टी का दिल से शुक्रिया। जो भी मेरे साथ में नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रखे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। तो अभी हमारे साथ में शीतल भी आ गई है। शीतल, तो आप कहाँ जा रहे हो अभी? हम जा रहे गधेरे। गधेरे क्यों? घास लेने। तो शीतल घास लेने गधेरे जा रही है जहाँ पे हम उस दिन नल टूटा था और हम पानी के लिए जा रहे थे और अनमोल हमारे साथ पे आ गया है। और कौन जा रहा है? और चाची और मम्मी। और चाची और मम्मी लोग भी जा रहे हैं। जब हम घास के लिए जाते हैं जैसे गांव के लोग हो गए, चाची और हो गए, दादी और हो गए, तो सबके सब मिलके घास लेने जाते हैं। कहीं भी जाते हैं, खेतों में जाते हैं तो दो तीन आदमी साथ में जाते हैं। गधेरे जाते हैं घास के लिए तो दो तीन आदमी साथ में जाते हैं घास लेने। इससे क्या होता है, एक तो दगड़ हो जाता है, दगड़ मतलब साथ हो जाता है, हम साथ हैं तुम्हारे, तो साथ भी हो जाता है। और उसके बाद में छुई बद भी लग जाती है, मतलब एक दूसरे से हालचालें पूछ लेते हैं। और अच्छा भी होता है क्योंकि जानवरों का खतरा भी रहता है, साथ में रहेंगे तो सही रहेगा। तो आज शीतल मम्मी और चाची लोग जा रखे हैं घास के लिए, अनमोल रहेगा मेरे साथ में और दामिनी। और आज हम घर में रहेंगे, थोड़ा खाना पीना बनाएंगे, घर का काम करेंगे। तो आज आपने क्या बनाया खाने में? आलू की सब्जी और चावल। वाह, तो आज दामिनी ने बनाया है आलू की सब्जी। आलू की सब्जी मतलब आलू तो आलू की तो आलू को पहले उबाला है और उसका झोल बनाया है, यानी कि आलू का झोल और चावल यानी कि भात। बहुत खूब, यानी कि आज खाना बहुत ही टेस्टी होने वाला है, क्या बोलते हो अनमोल? और जब तक खाने का टाइम होता है सबके सब आएंगे, तब तक हम जाते हैं एक शुभ कार्य करने। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बोलते हो अनमोल? और अभी मैं और अनमोल आए हैं ये चूने की बाल्टी लेके माता के मंदिर में और इसमें हम करेंगे अभी चूना यानी कि पुताई। और आज का हमारा शुभ कार्य यही होगा कि जो ये माता का मंदिर है इसको हम चूना करेंगे यानी कि पेंट करेंगे और इसको चमकाएंगे, क्योंकि मम्मी ने बहुत दिनों से बोल रखा था कि आप इसमें पेंट कीजिए यानी कि चूना कीजिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अनमोल मेरा सहयोग देगा, क्या बोलता अनमोल? अभी हम पेंट करना शुरू करेंगे। जय माता दी। तो गाइस अभी हम पेंट कर रहे हैं, यहाँ पे चूना लगा रहे हैं। तो अभी आपको मैं जब तक मंदिर दिखा देता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने अभी अनमोल के पास दे रखा है मोबाइल वीडियो बनाने के लिए और अनमोल भी मेरा सहयोग करेगा, क्या बोलता अनमोल? हाँ बिल्कुल। तो अनमोल कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है आपको गांव में मेरे साथ में वीडियो बनाते हुए? आपको हमारे साथ में पहाड़ कैसे लग रहे हैं, पहाड़ में घूमना फिरना ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखना? बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। वाह बहुत खूब। गाइस अभी हमको ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है, तो अभी तीन दीवारें पेंट हो चुकी है और फिर लास्ट दीवार रहेगी। हमारी चौथी दीवार भी कंप्लीट हो रही है, बस आधा काम और रह रखा है। और आप कुछ बोलना चाहोगे? और मैं अभी पूरा पेंट करके उसके बाद पूरा डिटेल में आपसे बात करूंगा। अभी दिन के बज रहे एक और धूप भी बहुत तेज हो गई है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। हमने अभी फाइनली पूरा मंदिर जो बाहर का एरिया है पूरा पेंट यानी कि चूना कर दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं आपको मंदिर की पूरी चारों दीवारें दिखाऊंगा, नहीं तो कई भाई लोग ऐसे भी हैं जो बाद में कमेंट करेंगे कि वीडियो बनाने के लिए एक ही दीवार या दो दीवार पेंट कर दी होगी। ये हो गया फ्रंट और ये हो गया मंदिर की दूसरी दीवार और ये हो गया पीछे की दीवार यानी कि तीसरी दीवार मंदिर की और ये हो गई चौथी दीवार। तो हमने पूरा मंदिर बाहर से पेंट यानी कि चूना कर दिया है और ये काम करके बहुत ही सुकून और खुशी हो रही है। और हमने इसमें बाहरी बार से पेंट किया है, अंदर से पेंट नहीं किया है क्योंकि इसमें ताला लगा हुआ है और ये चाबी हमारे पास नहीं है, और अगर चाबी मिलेगी तो इसमें पेंट अंदर से भी करेंगे।
और अभी मंदिर में पेंट हो गया है और अभी एक छोटा सा काम और बचा है। हमारे नागराजा का मंदिर है, वहाँ पे भी हम थोड़ा सा पेंट करेंगे। तो अभी हमने मंदिर और यहाँ पे नागराजा का मंदिर में पेंट यानी कि चूना कर दिया है और अभी धूप भी बहुत हो गई है और अभी हम जाएंगे घर, उसके बाद खाएंगे हम खाना। तो अभी मम्मी लोग घास लेके आ गए हैं और खाना पीना भी हो गया है। तो मम्मी से पूछेंगे आज घास के लिए कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा गए आज घास होते कुछ आ गया भी जान चल जाए सोनी माँ सचना माँ शीतल में सरता माँ विश्वारी। तो मम्मी का कहने का मतलब है हम दौलदार के गदरे जा रहे थे घास के लिए और बहुत सारे जा रहे थे, हमारे गांव के दादी चाची लोग जा रहे थे और जो गदना पार है जो गदरे के उस साइड है मकान वो भी जा रहे थे। क्या बहुत गदना दौलदरा गदन ऐसे जग रख दूं वो क्यों दे वो क्यों पहचान जाए जब। तो मम्मी का कहने का मतलब है कि हम लोग वहाँ जा रहे थे, हम लोग बहुत ऊपर जा रहे थे गदेरे और वहाँ पे एक रिकदू यानी कि जहाँ भालू रहता है वो जगह भी है और वहीं वही जा रहे थे। अभी नहीं रोना ना ना गर्मी में रहेंगे सर्दियों में रहेंगे, अब जब गर्मी में मौसम होला तो नहीं वेना पर दूंग पर आएगा ठंडी में मौसम रहो तब वो घाम ना रहो। तो मम्मी का कहने का मतलब है अभी नहीं आएगा वो, गर्मी में आ जाता है क्योंकि वहाँ ठंडा है, रोड का काम भी चल रहा है तो इसलिए अभी आजकल कम होगा। आप अभी रेस्ट करो और उसके बाद आपको हम टी ब्रेक में मिलेंगे यानी शाम को मिलेंगे, तब तक हम शीतल की तरफ जाते हैं। मम्मी कुछ कह रही है टाटा पाड़ी वाह, मम्मी कह रही है टाटा पाड़ी बहुत खूब। और शीतल यहाँ पे खाना खा रही है, खाना बड़ी खाना बहुत बढ़िया वाह मतलब अच्छा बन रखा है शाबाश। और दामनी भी बर्तन धो रही है, इनको हम टी ब्रेक में मिलेंगे। और अनमोल अभी खाना खा रहा है, उसको भी हम टी ब्रेक में मिलेंगे। तो अभी हम आपको श्याम को मिलेंगे। तो अभी श्याम की शुरुआत हो रही है चाय के चुस्की के साथ। वाह अनमोल भी सीख गया और मम्मी भी यहाँ पे और दामनी भी और शीतल, शीतल ऊपर है। और ये देखिए अभी चाय के नाश्ते के साथ में क्या है इधर, ये देखिए भाई क्या, कौन कौन खाएगा इसको मैं। और चाय पीने के बाद जाएंगे हम चाय पीने के बाद जाएंगे हम गदेरे और गदेरे और गदेरे से लाएंगे हम लकड़ी और हमारे साथ जा रहा है बेपिन अनमोल और दामनी। और शीतल कहाँ गई, शीतल आ रही है। और शीतल अभी आ रही है तो अभी हम आपको मिलेंगे सीधा गदेरे में। ये चाची लोग दादी लोग और चाचा वहाँ पे लकड़ी फाड़ रहे हैं, ऊपर से कुआं यानी कि चीड़ का बड़ा पेड़ आया और आधा इधर गिर गया और आधा यहाँ पे और अभी सब लोग लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। भाई अभी हमने लकड़ी फाड़ दी है, लकड़ी यानी कि चुल्लू और इतना पसीना हो गया है वो भी सर्दियों में। और सबके सब दर्शक देखने लगे यहाँ पे, दावनी शीतल अनमोल और चाची, और चाची जो सीधा ले जाने लगी है घर। वाह और नीचे अभी काम चल ही रहा है तब से, नीचे चाचा लोग अभी फाड़ने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे अभी किसी का सुबह मेरे ख्याल से फ़ोन खो गया है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उधर स्विमिंग पूल सा बना हुआ है वो बहुत ही गहरा है और वहाँ पे मेरे ख्याल से गिर गया है, सुबह से ढूंढने पे लगे हुए हैं। ये देखिए वाह हमारे हाई कमांड यहाँ पे पहुँच रखे हैं और वहाँ नीचे दादी बैठ रखी है और चाचा छिल्लू फाड़ रहे हैं और सबके साथ मेरे को देखने लगे हुए हैं। वाह क्या दादी बनी, कितने छिल्ले हो गए हैं जो चीड़ का पेड़ है और उसको फाड़ के ऐसे काट रहे हैं और ये आग जलाने में बहुत काम आता है। पिपिन बाबू और अनमोल यहाँ पे किसी का फोन पानी में पड़ गया है और उसको ढूंढ रहे हैं, अभी कोई ढूंढ रहा है अभी कोई ढूंढ रहा है, अभी पिपिन ढूंढ रहा है और यहाँ पे बहुत ही गहरा है गहरा। और भाई अभी आ रखे हैं गदेरे
ये देखिए क्या सुंदर नजारा है। और गर्मियों में यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं, बहुत ही गहरा है, मतलब एक आदमी आराम से डूब जाएगा इतना गहरा है। और ये जो गदेरा है ये 12 महीने आता रहता है इसका पानी, कभी ज्यादा और कभी कम। और यहाँ पर मछलियाँ भी होती है छोटी छोटी, जिनको कांटों से पकड़ते हैं कई लोग, और पकौड़े भी बनते हैं भाई, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनते हैं। क्या बोल दो बिपिन, और बिपिन बिपिन बब्बू सबके सब चाची लोग सब आ रखे इधर, पुरानी यादें आज ताजा हो गई, ये देखिए। और गर्मियों में यहाँ पे भीड़ लगी रहेगी नहाने के लिए, वो तो बस सड़क जा रखी है, फिर यहाँ पर एक पत्थर का खतरा बना हुआ है इसलिए थोड़े लोग कम आते हैं। वाह क्या आनंद है भाई पहाड़ों में, देखिए भाई क्या नज़ारा है, सुंदर सा नज़ारा। ये है कड़ाली यानी कि बिच्छू घास, जिसकी हमने सब्जी बनाई थी और जिसको मैंने झंझाड़ कहा था। अगर थोड़ा ऐसा लग जाए बात, इतने भी इतनी झंझाड़ पड़ जाती है कि मत पूछो। और ये ऐसे गदेरों की जगह जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे होता है, और बहुत सारी है यहाँ पे, ये अभी खाने लायक नहीं है, जो खाने लायक थी वो हम लोगों ने निकाल दिया है। और बिपिन भी छिल्ला लेके आ रहा है, वाह शाबाश बोला, छिल्ला लेके आओ। और ये देखिए हमने कुछ इस तरह से छिल्ले को बांध रखा है इधर, और अभी हम घर जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, वाह चलो बोला। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:40, और अभी हम कहाँ गए थे, केरा। और क्या लाए हम, अंडे। वाह तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय जय कुमाऊ जय गोपाल। हमने अपना कुकु यानी कि अपनी बिल्ली यहाँ ला रखी थी और उसको घर ले जाना भूल गए, और अभी याद आया कि वो किसी के साथ भी घर नहीं आया है, और अभी पूरा अंधेरा हो गया है। और हम अभी मैं और बिपिन कहाँ हैं, मैं और बिपिन अभी यहाँ से यहाँ फिर आए उसको लेने के लिए, और वो अभी है ही नहीं, और पता नहीं अभी कहाँ गया है, घर आता है कि नहीं आता है, और उसने रास्ता भी नहीं देख रखा है, क्या पता मिलता है नहीं मिलता है। कोकिले आज भी इन्होंने पार्टनर ढूंढ लावे, और वो हमारे घर का मेन सदस्य है, अब देखते हैं या तो अब मिल जाएगा या तो कल सुबह तक आएगा, नहीं तो हमको कल आना पड़ेगा, सुबह ही आना पड़ेगा, अभी रात पड़ गई है, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा अंधेरा हो रखा है पूरा, और हम लोग उसको ढूंढने यहाँ आ रखे हैं इतने अंधेरे में, क्योंकि हमारे घर का बहुत ही मेन सदस्य है। चल बिपिन आ जा, अब रात हो गई है, घर चलते हैं, नहीं मिलेगा तो कल सुबह आना पड़ेगा मेरे को।